आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये स्मार्ट बीएमएस का प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है जो 48 वोल्ट 42 एएच के बैटरी के साथ कनेक्ट किया है अभी फिलहाल। और ये इसका सॉफ्टवेयर इंटरफेसिंग है जिसमें आपको सारे वोल्टेज मिल रहे हैं कि 15 सीरीज का क्या वोल्टेज है, बैलेंसिंग अगर चालू होगा तो बैलेंसिंग, टेम्परेचर, और ये पैरामीटर स्विचिंग है, मतलब आपके जो FAT है वो ऑन है या स्विच ऑफ है वो भी दिखाएगा। आपका बैटरी का परसेंटेज आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। और ये बैटरी वोल्टेज है, ये डिस्चार्जिंग करंट है। अभी मैंने इसको 20 एम्स का जो डिस्चार्जर आता है, सिंगल बैटरी 20 एम्पीयर का डिस्चार्जर, उसके साथ कनेक्ट किया है डिस्चार्ज के लिए। तो ये डिस्चार्जिंग करंट है, एवरेज वोल्टेज है सेल का ये, और बाकी मिनिमम वोल्टेज है, मैक्स वोल्टेज है, डिफरेंस है ये जो 44 है, ये 44 मिली वोल्ट, मतलब हर एक सीरीज के बीच में इतना माइनर वोल्टेज का डिफरेंस अभी सेल में है जो बाद में बैलेंसिंग हो जाएगा। ये सब FAC में रिमाइनिंग कैपेसिटी दिखा रहा है, और ये डेट मतलब मॉडल नंबर हो सब। इसके बाद में पैरामीटर्स में जाएंगे तो आपको बहुत से पैरामीटर इसमें सेट करने के लिए मिल जाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है प्रोग्राम करने के लिए BMS को, कि इसके पैरामीटर क्या सेटिंग होने चाहिए एक्यूरेसी लेवल पे। वो तो आप देख सकते हो बहुत से पैरामीटर्स इसमें है। मैं जस्ट ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये कस्टमर यूज़र्स के लिए नहीं है। तो स्मार्ट BMS होने के वजह से बहुत से फ़ायदे नॉर्मल BMS के कंपेरेटिवली मिल जाते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो गया, तो उसके अंदर एक्चुअली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वर्क करता है। तो ये देख सकते हो ईच एंड एवरी सेल का मिली एम्पियर डिस्चार्जिंग करंट जो भी है वो दिख रहा है यहाँ पे। आप इसको कैलिब्रेट भी कर सकते हो अगर आपकी वैल्यू कोई चेंज हो चुकी है तो। बाद में अदर फंक्शंस में जाएंगे तो ये भी अलग अलग कोडिंग है इसका, ये सब अभी नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत डीप में है ये सब चीज़ें। तो ये जब अपना ऑनलाइन कनेक्ट होता है BMS, जैसे कि यू अपना इंटरनेट के थ्रू, तो आप इंटरनेट के थ्रू भी इसको मोनेटाइज कर सकते हो, मतलब कस्टमर नहीं कंपनी। जस्ट आपने बैटरी लिया है और समझो आपका बैटरी कुछ XYZ प्रॉब्लम हुआ है, तो हम यहाँ पे बैठ के भी आपका बैटरी चेक कर सकते हैं। तो ये एडवांस फीचर ही अभी के BMS में नहीं है, जो BMS में ये फंक्शन रहता है उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये मॉड्यूल सारे BMS को कनेक्ट कर देता है। तो अगर इनकेस कस्टमर ने शॉर्ट सर्किट किया है और भी कुछ प्रॉब्लम किया है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो ये है 20 एम्स का डिस्चार्जर और ये इसका इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर।